Hello to everyone. This is second lecture of chapter polynomial. Who has not seen the first lecture of introduction of polynomial, they can see the first lecture of the polynomial. अब यहाँ पे हम discuss करेंगे कि polynomial क्या है. जो basic था हमने discuss कर लिया है, ठीक है, पिछले lecture में. तो जिन लोगों ने ना देखा हो वो लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हम discuss करेंगे कि polynomial क्या है, ठीक है, पॉलीनोमियल के कैटेगराइजेशन क्या है. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलो देखते हैं पॉलीनोमियल क्या है. लेट्स सी. सो आई हैव रिटन ओवर हियर समथिंग, यू कैन सी, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीनोमियल, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग एंड डॉट डॉट ए एन एक्स रेज टू पावर एन, राइट, where n is a whole number. I know that आप इसे खुद भी नहीं समझे होंगे. जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था. ओके, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि n basically whole number होना चाहिए. Basically यही standard definition है polynomial की. अब through example देखते हैं कि basically polynomial कौन से algebraic equation होते हैं, कौन से algebraic equation polynomial नहीं होते. इसलिए हमने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा था, क्योंकि हर एक पॉलीनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन होता है. लेकिन हर अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलीनोमियल होता है ये कोई जरूरी नहीं है. देखते हैं एग्जांपल से, ठीक है. जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो मुझे यहां पर बताना है कि पॉलीनोमियल, ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं. यस, इट इज अलजेब्रिक इक्वेशन. अच्छा, और ये पॉलीनोमियल है या नहीं है, तो आंसर इज यस. क्योंकि अगर मैं पहला टर्म चेक करूं, पहले टर्म की जो पावर है, क्योंकि यहां पे एन के बारे में बोला गया एन इज अ होल नंबर एंड एन इज अ बेसिकली पावर, मतलब पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब कंप्लीट नंबर होने चाहिए. होल नंबर का मतलब आप समझो कंप्लीट नंबर होने चाहिए. 0, 1, 1.2 इज नॉट अ होल नंबर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग 0, ठीक है. ओके, तो यहां पे मैं अगर पहले टर्म की बात करूं तो पहले टर्म का जो पावर है इज अ होल नंबर, मींस इज द पॉजिटिव नंबर एंड कंप्लीट नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर. इफ आई सी अनदर टर्म, तो यहां पर भी जो पावर है, अगर पावर कुछ नहीं होता है मतलब बाय डिफॉल्ट 1, तो 1 इज आल्सो अ होल नंबर, ठीक है. चलो अनदर एग्जांपल देखते हैं. मैं कुछ एग्जांपल से यहां पर लिख देता हूं 1 बाय 1, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन से पॉलीनोमियल है कौन से नहीं है. अनदर है एक्स बाय 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7. ये एग्जांपल देखते हैं. पहली बात आप ये समझ लो कि हमें बेसिकली वेरिएबल पे ही फोकस करना होता है. मैं अगर इस अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे वेरिएबल एक यहां पे है, एक वेरिएबल यहां पे है. सबसे पहले अगर हम इस वेरिएबल का देखें, सो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस वेरिएबल, दैट इज 1 एंड 1 इज अ होल नंबर. इस टर्म की बात करें तो इस टर्म का जो वेरिएबल है एक्स, उसका पावर 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर, ठीक है. तो ये भी पॉलीनोमियल है, पहले वाला तो पॉलीनोमियल था ही. तो कुल मिलाकर आप ये समझो कि मुझे हर एक टर्म चेक करना पड़ेगा थ्रू आउट अलजेब्रिक इक्वेशन. मेरी बात समझना. अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां पे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. चलो अनदर एग्जांपल देखते हैं. रूट 3 एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स. ये एग्जांपल देखते हैं, है ना. मैंने क्या बोला कि अलजेब्रिक इक्वेशन के हर टर्म को आपको चेक करना होता है कि उसमें वेरिएबल से पावर होल नंबर है या नहीं है. थ्रू आउट इक्वेशन चेक करना होता है, यही हमारी डेफिनेशन है. ये जनरल डेफिनेशन है, लेकिन आपको जनरल डेफिनेशन अब आपको समझ में आ रही होगी. ये जनरल डेफिनेशन लिखा हुआ है यहां पे, n जनरल टर्म है, n जनरल पावर है, तो n हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. यहां पर हम हर एक टर्म चेक करेंगे और हर टर्म इस डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, दैट वेरिएबल पावर मस्ट बी होल नंबर, ठीक है.
तो अगर मैं पहले टर्म की बात करूं तो यहां पे पहले टर्म में वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 3 है एंड 3 इज अ होल नंबर, मींस ये ओके हो गया। मैं अगर दूसरे टर्म की बात करूं, दूसरे टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट 1 एंड 1 इज आल्सो अ होल नंबर, ये भी टर्म ओके हो गया। ठीक है, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये टर्म ओके नहीं है क्योंकि अगर मैं x को ऊपर ले जाऊंगा तो इट विल बिकम बेसिकली x रेज टू पावर -1। ठीक है, तो यहां पे x की पावर -1 हो जाएगी और -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट पे दिक्कत हो तो बेसिकली आप बीमार ही बोले जाओगे, चाहे आपके हाथ पे चोट लगा हो तब भी आप बीमार बोले जाओगे, पैर में चोट लगा हो तब भी आप बीमार बोले जाओगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे पैर में चोट लगी है बाकी तो सब कुछ ओके है, मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन आप बीमार हो। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसा ही है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर किसी भी टर्म में दिक्कत आती है तो वो पूरा अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलीनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना होता है, आप इस रूट 3 इन सबसे प्रभावित मत होना। अनदर एग्जांपल देखते हैं, एक्स अपॉन रूट 3, ठीक है, प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स अपॉन रूट 2, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर मैं पहला टर्म चेक करा, मैंने पहले टर्म में मैंने क्या बोला, सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है, उसके मल्टीप्लाई में क्या उसका कोएफिशिएंट क्या है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अगर पहले टर्म की बात करूं तो यहां पे जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है 1 एंड 1 इज अ होल नंबर। इफ आई सी सेकंड टर्म, सो पावर इज 3 एंड 3 इज अ होल नंबर। इफ आई सी द थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है, इसका पावर देखूं कुछ भी नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है एंड 1 इज अ होल नंबर, मतलब तीनों टर्म ओके है, पूरा बॉडी ओके है, ठीक है, पूरा शरीर ओके है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं अपन, x क्यू माइनस x रेज टू पावर रूट 2 प्लस 7। यहां पे मैं सबसे पहला टर्म देखूंगा, अगर मैं पहले टर्म की बात करूं तो इसकी पावर 3 है एंड 3 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, मतलब ये टर्म ओके है। मैं दूसरे टर्म में बढ़ूंगा, दूसरे टर्म की पावर रूट 2 है एंड रूट 2 इज नॉट अ होल नंबर, मतलब मुझे यही डिफेक्ट मिल गया है। अगर मुझे यही डिफेक्ट मिल गया है तो आगे कितने भी टर्म लिखे हो मैं कोई भी टर्म चेक नहीं करूंगा, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में एक हिस्से में दिक्कत आई मतलब बॉडी बीमार। ठीक है, मतलब ये अगर इस हिस्से में दिक्कत आई तो ये सीधे सीधे पॉलीनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीनोमियल दैट व्हिच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गोइंग टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, अब मुझे लगता है डेफिनेशन अब आपको अच्छे समझ में आई होगी। मैंने यहां पे जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, यहां पे a नॉट a1 a2 a3 a4 से लेकर an ये सारे कोएफिशिएंट हैं। कोएफिशिएंट मुझे लगता है आपको समझ में आता होगा, कोएफिशिएंट मतलब मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे जो n है वो होल नंबर है, मतलब थ्रू आउट एक्सप्रेशन जितने भी पावर आ रहे हैं ये 1 2 3 4 से लेकर n तक ये सारे क्या है, होल नंबर है। उसी चीज को हम इंप्लीमेंट यहां पे कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया कि कौन से पॉलीनोमियल के कैटेगरी में आएंगे और कौन से पॉलीनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड।